आप स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर डोडा में हम हैं और वाटर स्पोर्ट्स सेंटर डोडा के जो ट्रेंड अभी जो बोट चलाते हैं यहाँ पे और ख़ास तौर पे मैं इस चिनाब के अंदर, इस चिनाब में दोबारा आपको बताता चलो, इस चिनाब के अंदर तैरना मौत से खेलने के बराबर है। तो इसमें तैरने वाला जो शख्स है वो ये है, आपका नाम सर? माजिद हुसैन। माजिद हुसैन जी, मुझे डर लगता है इसको हाथ लगाने से, तो आपको तैरने खास तौर पे इस तेज चिनाब में तैरते कैसे हो? सर अब हम घर हमारा यहीं पे है, 10-15 साल से हम तैर रहे हैं यहाँ पे, हमारी एनजीओ भी है तो उसके थ्रू हमें रखा गया है यहाँ पे टूरिज्म में। तो टूरिज्म में ठीक है, लेकिन फिर भी डर नहीं कभी लगा इसमें तैरने से? नहीं सर, हमारा ये काम है, रोज़ का, रोज़ का काम। यदि यहाँ पे कुछ भी हादसा वगैरह होता है या कुछ सुसाइड वगैरह करता है तो हम ही निकालते हैं यहाँ पे। तो कभी दुख नहीं होता है कि भाई लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं? बिकॉज आप भी इतना एनर्जेटिक और अच्छा काम करते हैं कि भाई चलो कभी कभी कोई लाश डूब गई, किसी ने खुदकुशी कर ली, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, उनको जब आप निकालते हैं दुख नहीं होता है कि भाई मतलब इस चिनाब में जो है लोग मर जाते हैं, ठंडा पानी इतना है? सर दुख तो बहुत होता है, पर इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पुल है यहाँ पे, यहाँ गणपत का ब्रिज हमारा, तो यहाँ पे सुसाइड अक्सर लोग करते हैं यहाँ से वहाँ से। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे तार लगा ली है यहाँ पे वहाँ पे, अब तकरीबन थोड़ा सा कम हो गया, कम हुआ है। लेकिन आप जब बचपन में कौन सी ऐसी क्लास थी, कौन सी ऐसी स्टेज थी जब आपने तैरना शुरू किया था? सर यहाँ हमारा कामकाज भी यहीं है तो उसकी वजह से हम दरिया के किनारे ज़्यादा रहते हैं। नहीं वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कौन सी ऐसी होगी ना, कोई एज होगी जब आपने पहली बार पानी में कदम रखा? सर मैं 11 साल का था तब। 11 साल जी सर। चिनाब के अंदर कब तैरना शुरू किया? 2012 में। 12 में जब पहली बार चिनाब में मतलब इस तेज़ पानी में तैरना शुरू किया? मैंने फर्स्ट टाइम सर पार किया था 2015 की बात है, ये आज से 5 साल पहले। तो तब डर लगा था थोड़ा सा? थोड़ा सा लगा था, तब तो आदत हो गई हमें। अब आदत हो गई है, ठीक है। तो कभी, क्योंकि ये पानी तेज़ तो है, ये ठंडा बहुत है, ठंडा बहुत, ठीक है, ठंड की वजह से लोग मरते ज़्यादा हैं इसमें। तो कभी ऐसा हुआ कि भाई कभी थक गए तुम तैरते तैरते, भाई चलो वापस ही चलते हैं? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अब हमारी जो चमड़ी है इससे नहाने से मोटी हो गई है। अच्छा। तो यहाँ के लोकल बंदों को ठंड नहीं लगती उतनी। अच्छा, जो बाहर का आता है वो तो हाथ नहीं लगा सकता इसमें, हम तकरीबन 1-1.5 घंटे रह सकते हैं इसमें। और ख़ास तौर पे जो आप अभी बोटिंग करवा रहे हैं लोगों को यहाँ पे मज़े करवाने जा रहे हैं, अब आने वाले वक्त में आपको ज़्यादा बोट्स मिलेगी, तो क्या लोगों को डरना चाहिए इस बोट में चलने से पहले? हाँ डरना चाहिए, अब लोगों को यहाँ आएंगे तो अपनी सेफ्टी उनको खुद देखनी चाहिए, बिना लाइफ जैकेट के यहाँ पे उतरना नहीं है। मतलब अगर आप प्रॉपर सिक्योरिटी सारी दे दें तो क्या इसमें डर है इस बोट में? फिर कोई डर नहीं, ये बिल्कुल सेफ बोट है, कोई पलटा होने का इसमें खतरा नहीं है, एकदम सेफ है। अभी तक जब से इसको बोट, जब से बोट लाई है ना, तब से लेके आज तक कितना कोई हादसा हुआ इस बोट का? बिल्कुल अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ यहाँ। आप किसका शुक्रिया अदा करेंगे खास तौर पर, क्योंकि पहले तो आप रेस्क्यू करते थे लोगों को, अब आप बोट चला रहे हैं, आने वाले वक्त में ज़रूर आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी यहाँ पे, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब ये ऑपरेशन हो जाएगा सारा, तो आप किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? पहले तो मैं यहाँ पे फयाज साहब मेहता का, उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने ही मुझे यहाँ पे रखा है। दूसरा मैं BDA का और DC साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया और यहाँ की बेरोजगारी बहुत हद तक खत्म हो गई। क्या इस चिनाब में मछलियाँ भी हैं? हाँ सर मछलियाँ भी खाते हैं। हाँ तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे कांटा वगैरह लगाते हैं। तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए, एक फिशिंग पॉइंट बना दिया जाए जहाँ पे लोग आके अब रात को बैठ के ऐसे बेकार होते हैं तो खा मछलियाँ पकड़ लें? बिल्कुल हाँ, हो सकता है, अगर रखेंगे तो क्यों नहीं रख सकते। कितनी मछलियाँ होंगी इसमें? यहाँ पे कम से कम 50 KG तक मछली है। मछलियाँ हैं 50 KG? तो आप कैसे निकालते हैं? कांटे से निकाल। आप देख सकते हैं इस चिनाब में सिर्फ बोटिंग ही नहीं बल्कि मछलियाँ भी इसके चिनाब में हैं। और ये जो बहादुर जी हमारे साथ हैं, ये इस खतरनाक चिनाब के आर पार जाते हैं और आराम से, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि इनकी चमड़ी मोटी हो गई है। अब चमड़ी मोटी हुई है नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन ये बंदे का दिल बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस चिनाब में जाना मेरे लिए पाँव डालना भी खतरनाक है, लेकिन ये भाई साहब जो है ना इसको तैरते हैं, चीरते हैं, चिनाब को चीरना आसान नहीं है। तो आप सब भी लोग जब यहाँ आएंगे तो इसमें गलती से तैरें मत, जब तक आपको तैरी नहीं आती हो, मतलब लाइक जब तक आपको प्रॉपर तैरना नहीं आता हो तो इस चिनाब में गलती से भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में आप पूछें किस जगह पे आप नहा सकते हैं, किस जगह पे नहीं नहा सकते हैं, ये आसान नहीं है, ये प्रोफेशनल है। आप क्या कहेंगे कि जिनको तैरना आता है वही इसमें जाएँ या जो चिनाब में तैरते हैं वही तैरें? जिनको तैरना आता है यहाँ के लोकल, मैं उनको कहूँगा वो तैर सकते हैं, बाकी बाहर का जो एक्सपीरियंस यहाँ पे है वो उनको नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे मैं गुजारिश करूँगा बिना लाइफ सेविंग जैकेट के यहाँ पे ना उतरें। खास तौर पे अगर कभी किसी को दिल भी करेंगे, बहुत नौजवान होते हैं, जूश होता है उनका, कहीं बाहर से आते हैं, हिमाचल से, इन जगहों से आते हैं, वो कहते हैं क्या चिनाब है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज अक्सर ऐसा ही होता है, यहाँ से लोग आते हैं बाहर से, सोचते हैं ये मजाक है, पर थोड़ा जाते हैं,
यहाँ पे एक सेकेंडों की गेम है, थोड़ा सा बंदा गया तो बस उसके पता नहीं चलता है, फिर डूब गया वो बाहर निकला, वो बाहर नहीं निकला, फिर दो तीन महीने की उसकी डेड बॉडी मिलती है हमें यहाँ से बगले यार फिर वहाँ से हम लाते हैं, उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है। इट मीन्स कि भाई आप सब लोगों को ये भाई साहब भी आपको जो है इतला कर रहे हैं कि गलती से भी चुनाव में अगर आप तैरते भी हो तब भी इसमें ना तैरें जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो। तो यहाँ के लोकल तैराक से आप बात करें, अगर आपने मज़ा करना है या आपको बता देंगे किस जगह पे आप नहा सकते हैं, और ख़ास तौर पे आप आएँ सबसे पहले बोटिंग करना। आप बोटिंग के लिए आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हाँ बिल्कुल, आएँ यहाँ पे एंजॉय करें, बहुत अच्छी यहाँ पे जब शुरू हो जाएगा बिल्कुल आराम से, कोई मसला नहीं है। ये हैं यहाँ पे, आपको बिल्कुल असिस्ट करेंगे, इनके पास ये मतलब ये बचा भी सकते हैं और आपको घुमा भी सकते हैं, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इस वाटर स्टेशन पे हैं। और आप सबको फिर गुजारिश है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा का ये खूबसूरत इनिशिएटिव है, इस खूबसूरत इनिशिएटिव का भागीदार बने। आने वाले वक्त में जैसे ही इसका जो है ईओआई ओके हो जाता है, टिकट लग जाती है, टिकट काउंटर लग जाता है, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बानिहाल, उधमपुर, जम्मू, कठुआ, सांबा, अनंतनाग, उसके बाद कुलगाम, शुपियन, पुलवामा, जितने भी श्रीनगर, बडगाम, बांडीपुरा, गांधरबल, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं लेह लद्दाख और पूरे हिंदुस्तान से आप लोग यहाँ आ सकते हैं, चुनाव का मज़ा ले सकते हैं। ये मज़ा रियासी में नहीं आएगा, ये मज़ा आपको डोडा में आएगा, बिकॉज मज़ा यहीं पे है। तो चुनाव का मज़ा लेने के लिए वाटर स्टेशन डोडा आएँ, मज़ा कीजिए। डिप्टी कमिश्नर डोडा का हम शुक्रिया फिर अगर अदा करेंगे, हमें एक मौका दिया यहाँ पर ख़ास तौर पर इस चुनाव का मज़ा लेने के लिए। और इन साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें जो है यहाँ घुमाया पूरा ये चुनाव। और सबसे बड़ी बात है इस चुनाव में तैरते हैं ये, जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, सब्सक्राइब करते रहें स्ट्रेट लाइन, आगे भी ऐसी खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे।